Assalamu alaikum ji. This is Dr. Harun Habib from the Biochemistry Department of Avicenna Medical College. जी बेटा, अटेंडेंस माशाल्लाह बहुत कम है इस वक्त. आज आई हैव 60 स्टूडेंट्स एट 10 नेम. चलो अच्छी बात है. क्या आज टेस्ट था आप लोगों का? शेड्यूल में तो नहीं लिखा हुआ. टेस्ट था आज आप लोगों का कि नहीं था? मेरे पास डेट सही थी उनके लिहाज से, 1923 को था. चेंज हो गई होंगी. चल कोई बात नहीं. टेस्ट भी नहीं था फिर भी शायद 10 बजे का लेक्चर है, इस वजह से लेट हूँ. चलो कोई बात नहीं, आई स्टार्ट द लेक्चर. सेल सरफेस रिसेप्टर्स ने शुरू करने थे. सेल सरफेस रिसेप्टर हमारे पास तीन किस्म के होते हैं. एक होते हैं आयन चैनल रिसेप्टर्स, दूसरे होते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स, और तीसरे होते हैं रिसेप्टर्स दैट आर काइनेजेस और बाइंड काइनेजेस. सो आयन चैनल रिसेप्टर्स, ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स एंड रिसेप्टर्स दैट आर काइनेजेस और बाइंड काइनेजेस. सबसे पहले आयन चैनल रिसेप्टर्स को देखते हैं. जिस तरह ये नाम से जाहिर है कि ये ऐसे रिसेप्टर्स हैं ये जिनमें चैनल्स होते हैं आयंस के लिए. ठीक है, तो ये देखिए आपके पास एक ये सेल मेम्ब्रेन है, ये आप देख सकते हैं लिपिड बायलेयर है. ठीक है, ये देखें ये लिपिड बायलेयर है, ये इनके हाइड्रोफिलिक एंड्स हैं. ठीक है, और ये इनके हाइड्रोफोबिक एंड्स हैं. ये देखें आपके पास कैल्शियम आयंस दिखा रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, और ये लाइगेंड, लाइगेंड आपने अभी देखा है. लाइगेंड जो है हमारे पास वो हार्मोन्स होते हैं जो आके रिसेप्टर से बाइंड होते हैं. और आप ये देख रहे हैं कि ये एक गेट सा इस वक्त बंद है. When this ligand will come and attach itself here at the channel or gate, this gate will open like this. When the ligand hormone comes and binds to the channel, the ligand forces a three-dimensional conformational change in the channel and the channel opens, allowing the ions to move across the membrane. Once the ligand is removed, or is when the ligand detaches itself from the channel, it reverts back to its original position. The channel closes. फिर ligand आएगा, attach होगा, फिर channel खुल जाएगा, ligand उतर जाएगा, channel बंद हो जाएगा. ठीक है, दिस इज योर आयन चैनल रिसेप्टर्स. पहली टाइप के रिसेप्टर्स हैं ये. ठीक है जी, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर, जो मैंने ट्रांस मेम्ब्रेनस रिसेप्टर्स भी कहा गया. ये जो रिसेप्टर्स हैं ये जस्ट सेकंड, ये जो ट्रांसमेम्ब्रेनस रिसेप्टर्स हैं ये आप लोगों ने पहले देखे भी हुए हैं. ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स नहीं होते, ये वो वाले हैं. सबसे पहले आपको एक और डिपिक्शन दिखाई गई है आयन चैनल रिसेप्टर की.
ठीक है, देखें ये लाइगेंड है, ये वाला जो पोर्शन है ये लाइगेंड है, ये आपके पास एक चैनल है विच इज क्लोज व्हेन द लाइगेंड इज नॉट अटैच्ड. वंस द लाइगेंड इज अटैच्ड टू द चैनल, चैनल ओपन्स एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ आयंस क्रॉस इट. उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स. ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स के अंदर 7 हेलिसेस होते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन. ये देखिए, यानी कि ये जो रिसेप्टर है ये 7 दफा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. ये 7 दफा जो हमारी लिपिड बायलेयर है, सेल मेम्ब्रेन है, उसको ट्रवर्स करता है, क्रॉस करता है, जिसकी वजह से हम इसे ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर या ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर कहते हैं. जब ये क्रॉस करता है तो इसका ये जो रिसेप्टर एंड है ये वाला, इससे लाइगेंड ने आके बाइंड होना, ये लाइगेंड बाइंड हुआ, इसमें लाइगेंड ने आके बाइंड होना, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ होता है. दिस इज द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड साइज, दिस इज द साइटोसोलिक साइड. जब ये लाइगेंड आके बाइंड कर जाता है तो क्या होता है कि ये जो रिसेप्टर का एंड होता है, ठीक है, ये कैटालिटिक एक्टिविटी शो करना शुरू कर देता है, ठीक है, और एंजाइमेटिक और कैटालिटिक एक्टिविटी शुरू करता है. तो जो भी वहां पे, जैसे आपको पहले जी प्रोटीन का पता था, जी प्रोटीन का क्या होता है, जी प्रोटीन के 3 यूनिट होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा. तो उसमें क्या होता है कि बीटा और गामा अलग हो जाते हैं और अल्फा अलग रह जाते हैं. वो अल्फा यूनिट जो होता है वो उसका एक्टिव हेड होते हैं, एंजाइमेटिकली एक्टिव हेड होते हैं. वो आगे आपके किसी भी रिएक्शन को कैटलाइज कर सकते हैं, और वो आगे फिर सेकंड मैसेंजर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं. राइट, सो दीज आर योर ट्रांस मेम्ब्रेनस रिसेप्टर्स. नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास रिसेप्टर्स दैट आर आइदर काइनेजेस और बाइंड काइनेजेस. काइनेजेस हमारे पास एंजाइम है, तो ऐसे रिसेप्टर जो यहाँ तो खुद काइनेजेस होते हैं, काइनेज एक्टिविटी रखते हैं, अगर खुद काइनेज एक्टिविटी नहीं है उनके पास तो उनके पास काइनेज बाइंड हुए होते हैं, ठीक है, उनके साथ काइनेज लगे होते हैं. अल्टीमेटली मकसद ये कहने का कि उनका जो एक्शन है वो काइनेजेस का एक्शन है. ये देखिए, आपके पास ऐसे रिसेप्टर्स हैं जिनके ऊपर टायरोसिन काइनेज डोमेन्स हैं, ठीक है, ये टायरोसिन काइनेज डोमेन्स हैं ये वाले, और ये छोटे से मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, दीज आर टायरोसिन रेजिड्यूज. ये लाइगेंड आके इन रिसेप्टर्स के ऊपर लगता है तो जो वो दो करीबी पड़े होते हैं रिसेप्टर्स, ठीक है, वो आपस में जुड़ जाते हैं. व्हेन द लाइगेंड कम्स एंड अटैचेस टू द रिसेप्टर्स ऑन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड साइड, ठीक है, तो ये आपस में जुड़ जाते हैं, दे गेट टुगेदर. इनके जुड़ने का मकसद क्या होता है कि एक साइड की जो काइनेज है, टायरोसिन काइनेज डोमेन है, उसने दूसरी साइड के टायरोसिन रेजिड्यू को फॉस्फोराइलेट करना है, और दूसरे ने पहली साइड के टायरोसिन रेजिड्यू को फॉस्फोराइलेट करना है. ये देखिए, ऑपोजिट साइड पे करते हैं फॉस्फोराइलेट. जब ये फॉस्फोराइलेट कर देते हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर आके फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन काइनेज के ऊपर, सॉरी, फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन रेजिड्यू के ऊपर आके इंट्रा सेलुलर सिग्नल प्रोटीन अटैच होती है, और वो फिर आगे अपने मजीद सेकेंड मैसेंजर्स और डिफरेंट पाथवे से अपने एक्शन को करवाती है या एंजाइमेटिक एक्टिविटी करवा देती है. एंजाइमेटिक एक्टिविटी सेकेंड मैसेंजर सिस्टम या मजीद मेटाबॉलिक पाथवेज को एक्टिवेट करके ये अपने एक्शन करवाती है, ठीक है. ये अभी सिर्फ ना इन तीनों की, आयन चैनल की, ठीक है, ट्रांस मेम्ब्रेनस की और ये काइनेजिस की, ये सिर्फ एक आपको ओवरव्यू दिया, और ये बाद में डिटेल में भी आएंगे.
इतना भी बाद में नहीं, इसी टॉपिक के एंड पे जो पहला टॉपिक शुरू किया था, एन ओवरव्यू ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक हो गई। इन रिसेप्टर्स का नाम होता है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, जो इस तरह काम करते हैं ना, जो इस तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, इनका नाम होता है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। ठीक है, all right, moving on. So these are the topics we have done with. Yesterday we covered chemical regulating systems. इसमें हमारे पास आए थे hormones and pheromones. Functions of hormones के अंदर हमने काफी functions पढ़े थे. ठीक है, measurement of hormones में हमने देखा था plasma से होती है और यूरिन से होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ रिसेप्टर्स में हमने देखा था हार्मोन स्पेसिफिसिटी और हार्मोन एक्टिविटी। आज हमने सेल सरफेस रिसेप्टर्स देखे हैं, जिसमें हमने देखा आयन चैनल रिसेप्टर्स, ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर और आखिरी रिसेप्टर्स दैट बाइंड काइनेजेस और आर काइनेजेस। ठीक है ना, जिसमें हमारे पास एग्जांपल हमने भी देखी है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। ठीक है, अब चलते हैं सेल सिग्नलिंग पे। यही जो हमने अभी आयन चैनल और ट्रांसमेम्ब्रेन काइनेजेस का देखा ना, इसी की हम थोड़ी सी डिटेल देखेंगे। सेल सिग्नलिंग, सेल सिग्नलिंग इज अ पार्ट ऑफ एनी कम्युनिकेशन प्रोसेस, पार्ट ऑफ एनी कम्युनिकेशन प्रोसेस दैट गवर्न्स बेसिक एक्टिविटीज ऑफ सेल्स एंड कोऑर्डिनेट्स मल्टीपल सेल एक्शंस। सो कम्युनिकेशन प्रोसेस बिटवीन सेल्स का ऐसा पार्ट जो बेसिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल को गवर्न करे और डिफरेंट सेल्स को आपस में कोऑर्डिनेट करे। ठीक है, आई रिपीट, कम्युनिकेशन प्रोसेस बिटवीन सेल्स का ऐसा पार्ट जो बेसिक एक्टिविटीज ऑफ सेल को गवर्न करे या मल्टीपल सेल एक्शंस को कोऑर्डिनेट करे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर लिवर है तो लिवर के सारे सेल्स जो हैं वो एक ही काम करें। ठीक है, वो ग्लाइकोलाइसिस ही कर रहे हैं, उनके पास ऐसे एंजाइम है जो ग्लाइकोलाइसिस ही कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि आधे ग्लाइकोलाइसिस कर रहे हैं और आधे ग्लूकोनियोजेनेसिस में लगे हुए। ठीक है, कोऑर्डिनेट करके चले आने की, मोस्ट ऑफ देम या तो ग्लाइकोलाइसिस कर रहे हो या मोस्ट ऑफ देम ग्लूकोनियोजेनेसिस कर रहे हो। ठीक है, दैट इज सेल सिग्नलिंग। अगर सेल सिग्नलिंग ना हो तो जितने भी रिस्पॉन्सेज होंगे वो बहुत ज्यादा इराटिक हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। सेल सिग्नलिंग हमारे पास एक तो डायरेक्ट होती है सेल टू सेल सिग्नलिंग, एक सेल से दूसरे सेल को, एक सेल के ऊपर ये आके लाइगेंड लग जाता है, दूसरे सेल के ऊपर रिसेप्टर होता है, तो सेल टू सेल कम्युनिकेशन। ठीक है ना, दिस इज अ वेरी क्रूड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, ये कम्युनिकेशन गैप जंक्शन से भी होती है। गैप जंक्शन याद है सेल के अंदर, वो फर्स्ट ईयर में सेल में पढ़े होंगे बिल्कुल स्टार्ट वाले टॉपिक के अंदर। ये सेल्स के अंदर ना गैप्स होते हैं मेम्ब्रेन में, ये जब दो सेल आपस में जुड़े पड़े होते हैं तो वो अपना मटीरियल शेयर कर लेते हैं। इसका मटीरियल उसके पास, उसका मटीरियल उसके पास, उसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास है वो है सेल सिग्नलिंग बाय सिक्रीटेड मॉलिक्यूल्स, यानी कि एक सेल कोई भी हार्मोन सिक्रीट करता है, लाइगेंड सिक्रीट करता है, वो जो लाइगेंड है वो आ जाता है ब्लड स्ट्रीम में और वो एक फार अवे टारगेट सेल को जाके, एक फार अवे टारगेट सेल के जाके रिसेप्टर पे अटैच होता है। ठीक है ना, और वो फार अवे जाता है कैसे, वाया ब्लड। ठीक है, इसको हम कहते हैं एंडोक्राइन। ये थी डायरेक्ट सेल टू सेल सिग्नलिंग, इसको हम कहते हैं एंडोक्राइन सिग्नलिंग, यानी कि
एंडोक्राइन, ये जो हम सिस्टम पढ़ रहे हैं, इसको हार्मोन्स बनते हैं, बन के ब्लड में जाते हैं, ब्लड से पूरी बॉडी में जाते हैं, जहां जहां उनके टारगेट सेल्स होते हैं वहां वहां वो जाके एक्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास एंडोक्राइन। दूसरा होता है हमारे पास पैराक्राइन। एक सेल से हार्मोन्स या लाइगेंड निकला, ठीक है, वो ब्लड में नहीं गया, ठीक है ना, बाकी वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में गया, बिल्कुल गया, ठीक है, इंटरस्टीशियल फ्लूइड में गया, जिसे हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं, ठीक है, टिश्यू फ्लूइड, इंटरस्टीशियल फ्लूइड या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इनमें जाएगा लेकिन ब्लड में नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की सिग्नलिंग को हम पैराक्राइन सिग्नलिंग कहते हैं, ठीक है जी। ये निकलेगा लाइगेंड यहां से और जो उसके नेबरिंग सेल्स हैं उनके जाके रिसेप्टर पे अटैच हो जाएगा। सो दैट इज योर पैराक्राइन, एंडोक्राइन एंड पैराक्राइन। एंडोक्राइन और पैराक्राइन के अंदर सिर्फ ये ब्लड वेसल का फर्क होता है, ठीक है, ब्लड वेसल का फर्क होता है। एंडोक्राइन में ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व होती है, ब्लड इन्वॉल्व होता है, पैराक्राइन के अंदर ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व नहीं होती, ब्लड इन्वॉल्व नहीं होती। और लास्टली ऑटोक्राइन सिग्नलिंग होती है बॉडी में, बिल्कुल होती है, अनकॉमन नहीं है। इसमें क्या होता है कि जिस सेल से लाइगेंड निकलता है, ठीक है, बन के हार्मोन निकलता है, उसी सेल की सरफेस के ऊपर रिसेप्टर लगा होता है, तो वो खुद ही अपने आप को एक्टिवेट कर रहा होता है, या अपने किसी और सेल अपने ही किसी और सॉरी सेल अपनी ही किसी और रिएक्शन को एक्टिवेट करवा रहा होता है, दैट इज ऑटोक्राइन। सो हमने यहाँ पे तीन किस्म की देखी है जो सेल सिग्नलिंग थी। सबसे पहले हमने देखी डायरेक्ट, सॉरी, सबसे पहले हमने देखी डायरेक्ट, उसके बाद हमने देखी एंडोक्राइन जो ब्लड वेसल यूज करती है, उसके बाद हमने देखी पैराक्राइन जो ब्लड वेसल यूज नहीं करती, उसके बाद हमने देखी ऑटोक्राइन जो सेल लाइगेंड प्रोड्यूस कर रहा है, हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है, उसका उस लाइगेंड उस हार्मोन का रिसेप्टर उसी सेल की मेम्ब्रेन पे पड़ा हो, जैसे निकलता है वो जाके अपने रिसेप्टर से बाइंड कर जाता है। ऑलराइट जी, ये है हमारे पास जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर की एग्जांपल, एग्जांपल यानी कि उसकी इलस्ट्रेशन, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ये आप लोगों ने फिर वही बात है फर्स्ट ईयर के स्टार्ट में पढ़ा था, ठीक है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर का। थोड़ा सा इसको रिव्यू कर लेते हैं, काफी देर सारी होगी, तकरीबन 1.5 साल हो गए। ये देखिए, ये हमारे पास लगा हुआ है, ये जो लाइलैक सा पर्पलिश सा कलर है, ये हमारे पास लगा हुआ है रिसेप्टर, ठीक है। रिसेप्टर के ऊपर आके ये हमारे पास जो पर्पल कलर है, डार्क पर्पल कलर है, ये हमारे पास आके लगा लाइगेंड, ठीक है। इसके यहाँ पे मैसेंजर का नाम दिया हुआ है, इसको लाइगेंड भी कह सकते हैं, इसको हार्मोन भी कह सकते हैं, ये हमारे पास लिपिड बायलेयर है, जाके जब ये हमारे पास लाइगेंड नहीं लगा होता तो इस रिसेप्टर के साथ जो इंट्रासेलुलर साइड पे कुछ सब यूनिट्स लगे होते हैं, वो होते हैं अल्फा बीटा एंड गामा, और उनके साथ होती है जीडीपी लगी हुई, ये इनएक्टिव फॉर्म में है इस वक्त। जैसे ही लाइगेंड आके लगता है इसके ऊपर, ये एक्टिवेटेड फॉर्म में आता है, और एक्टिवेटेड फॉर्म में कैसे आता है, एक जीडीपी यूटिलाइज करता है और ये जो जीडीपी लगा हुआ है इसको रिलीज कर देता है। जब जीडीपी इसके साथ अल्फा सब यूनिट के साथ लगता है, तो ये जो बीटा और गामा है ये उतर जाते हैं, ठीक है। Once they are released, this is an active site, ठीक है? ये जो this is an active site, ये जो active site alpha sub unit है, ठीक है, G protein का, ये जाके अटैच होता है phospholipase C, ये भी एक transmembranous enzyme है, protein है, ये जाके उसके साथ अटैच होता है, ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और ये क्या करते हैं, ये PIP2 को ब्रेक डाउन करवाते हैं। अब PIP2 के अंदर कितने फॉस्फेट हैं, तीन फॉस्फेट हैं, दो ये और एक ये, और एक आयोडीन है, ठीक है, और साथ में इसकी ग्लिसरॉल बैकबोन है,
इसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरह का होता है PAP2 का, कि एक तो हमारे पास आ जाएगी ग्लिसरॉल बैकबोन, ठीक है, एक असाइल ग्रुप लगा होगा, दूसरा असाइल ग्रुप लगा होगा, ठीक है, तीसरा इनोसाइटोल लगा होगा, राइट जी, और तीन फॉस्फेट लगे होंगे, ठीक है। जब ये ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, तो हमारे पास TIP2 से बनता है IP3 इनोसाइटोल ट्राइफॉस्फेट, यानी कि इनोसाइटोल एक दो और तीन फॉस्फेट लेके साइड पे हो जाएगा, ठीक है, और पीछे रह जाएगा ये वाला पोर्शन, इसका नाम देते हैं हम डाई एसाइल ग्लिसरोल, मोनो डाई एसाइल ग्लिसरोल, दो फैटी एसिड्स लगे हैं डायसाइल और ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। ओके जी, सो दिस PIP2 इज डिवाइडेड इनटू डायसाइल ग्लिसरॉल एंड IP3। जो डायसाइल ग्लिसरॉल है ये जाके प्रोटीन काइनेज सी, ये फिर एक एंजाइम है, ये डायसाइल ग्लिसरॉल जाके इसको हिलाशरी देता है, एक्टिव करवाता है, तो ATP और प्रोटीन को मिला के क्या बनता है, ये इसका फॉस्फेट एक उतार के ATP का इसके साथ लगा देगा, ये देखिए ADP+ प्रोटीन फॉस्फेट, ये जो प्रोटीन फॉस्फेट है ये एक एक्टिवेटेड प्रोटीन है, इन दिस केस ये एक एक्टिवेटेड एंजाइम होता है, ठीक है। तो ये हो गया डैक का काम, पीछे रह गया IP3, ठीक है, डैक का एक और काम भी कि ये प्रोटीन काइनेज एक तो ये करवाएगा कि जाके प्रोटीन्स को एक्टिव करवाएगा, एंजाइम्स को एक्टिव करवाएगा, दूसरा इसका काम ये होता है कि ये कैल्शियम के साथ मिलता है, ये प्रोटीन काइनेज सी है ना, ये जाके जब ये एक्टिव फॉर्म में आ जाता है, और ये एक्टिव फॉर्म में कब आता है, जब इसके साथ ये डाइसाइल ग्लिसरॉल आके लगता है, जब ये एक्टिव फॉर्म में आ जाता है तो ये कैल्शियम के साथ मिलता है, ठीक है, दिस इज कैल्शियम, ये यहाँ से आ रही है, ठीक है। ये है आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, या मसल में जिसना सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइट, या IP3 जाके इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन के ऊपर जाके अटैच हो गई है, ठीक है ना, एज अ सेकंड मैसेंजर, जब ये अटैच हो जाएगा तो ये वो आयन चैनल रिसेप्टर वाला काम होगा, इसका ये चैनल खुल जाएगा और जो कैल्शियम है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से साइटोप्लाज्म की तरफ आना शुरू हो जाएगी। जब ये कैल्शियम साइटोप्लाज्म की तरफ आएगी, इधर से प्रोटीन काइनेज सी एक्टिव हुआ हुआ, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, कैल्शियम कैलमेडुलिन कॉम्प्लेक्स, ये कैल्शियम कैलमेडुलिन कॉम्प्लेक्स जो है ये मजीद प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करवाता है, ठीक है, पहले डायसाइल ग्लिसरॉल ने किसको लगाया था, प्रोटीन काइनेज सी को, ये सिर्फ प्रोटीन काइनेज है, ठीक है, ये प्रोटीन काइनेज को एक्टिव करवाता है और प्रोटीन को कन्वर्ट करवा देता है प्रोटीन टी में, ये कैसे, ये जितना रिएक्शन ऊपर था, ATP+ प्रोटीन गिव्स यू अ प्रोटीन फॉस्फेटेड प्लस ADP, ठीक है। सो मैं एक जरा क्विक सा रिव्यू ले दूं, ठीक है, इसका ये हमारे पास रिसेप्टर है, रिसेप्टर के साथ अल्फा बीटा और गामा सब यूनिट्स जी प्रोटीन के अटैच होते हैं, साथ में उनके GDP मॉलिक्यूल अटैच होता है, ये हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म, जैसे ही उसके ऊपर आके लाइगेंड अटैच होता है इस रिसेप्टर के ऊपर, ये जो अल्फा बीटा और गामा सब यूनिट्स के अंदर से बीटा और गामा सब यूनिट्स अलग हो जाते हैं, ठीक है, और ये GTP मॉलिक्यूल को एक यूटिलाइज करते हैं, और ये GDP होता है इसको रिलीज करते हैं, तो ये अल्फा सब यूनिट ऑफ जी प्रोटीन विच इज एक्टिवेटेड डोमेन ऑफ दी जी प्रोटीन अलोंग विद दिस GTP कम्स इन कांटेक्ट विद द फॉस्फोलाइपेज सी एंजाइम एंड ब्रेक्स डाउन दी PIP2 इनटू डायसाइल ग्लिसरॉल एंड IP3। द डायसाइल ग्लिसरॉल गोज एंड एक्टिवेट्स प्रोटीन काइनेज सी एंजाइम, दिस प्रोटीन काइनेज सी एंजाइम कन्वर्ट्स द प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ एनएडीपी विद द हेल्प ऑफ एनएटीपी टू अ प्रोटीन फॉस्फेट, ठीक
ठीक है, एंड एन एडीपी. दिस IP3 goes to the sarcoplasmic reticulum membrane, attaches itself to specific receptors, and increases the release of calcium. Once the calcium is released, this calcium comes in combination with the protein kinase C that was activated by the diacylglycerol. Okay? And it makes a complex, calcium-colmodulin complex. This calcium-colmodulin complex again activates a protein kinase enzyme that would again let this reaction undergo, and ATP and protein combines to form a ADP and a phosphorylated protein. ये जो phosphorylated proteins हैं ना, ये क्या होती हैं? ये activated protein होती हैं, phosphorylated enzymes भी होते हैं, ठीक है? जिस तरह के आपको कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में मैंने एक चीज समझाई थी, कुछ एंजाइम्स फॉस्फोराइलेट होके एक्टिव होते हैं, कुछ एंजाइम्स डीफॉस्फोराइलेट होके एक्टिव होते हैं. जस्ट अ सेकंड. So what I was saying, कुछ enzymes phosphorylate होके active होते हैं और कुछ enzymes dephosphorylate होके active होते हैं. ये मैंने आपको carbohydrate metabolism बताया था, ठीक है? So this is what happens कि ये protein को phosphorylate करवा देते हैं. So this is your G protein coupled receptors, GPCRs. अगला देखते हैं क्या है हमारे पास. That must be the JAK-STAT pathway, ठीक है? The JAK-STAT pathway, ठीक है? ये भी जो हमने पढ़ा है वो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज वाला फिनोमेना, ये वो है, ठीक है? होता क्या कि ये देखें, पहले हमने रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज की एग्जांपल ली थी, अब हम ये साइटोकाइन रिसेप्टर की एग्जांपल लेंगे. साइटोकाइन रिसेप्टर्स की ये दो नेबरिंग पीसेस जो होते हैं, इनके साथ ही जैक प्रोटीन लगी होती है, ठीक है? और जैसे ही रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज में आपने देखा था क्या लगा हुआ था, टायरोसिन रेसिड्यूज लगे हुए, जैक प्रोटीन लगी होती. जैसे ही ये लाइगेंड आता है साइटोकाइन, तो ये क्या करता है, ये जो नेबरिंग रिसेप्टर्स है ना, रिसेप्टर के पोर्शन, ये आपस में जुड़ जाते हैं, ये जुड़ के 3D कन्फर्मेशन चेन बनाते हैं और वो ऐसी शक्ल बनाते हैं कि वहां पे आके ये जो लाइगेंड है ये अटैच हो सके. वंस द लाइगेंड इज अटैच्ड, दीज डोमेन्स, दीज जैक प्रोटीन्स आर फॉस्फोराइलेटेड बाय द जैक प्रोटीन ऑफ द नेबरिंग रिसेप्टर. इधर वाले को करेगा और इधर वाले को करेगा, ऑपोजिट साइड्स वाले, ठीक है? जब ये दोनों जैक प्रोटीन्स फॉस्फोराइलेट हो जाती हैं, तो ये क्या करती हैं, ये इस रिसेप्टर को फॉस्फोराइलेट करना शुरू कर देती है, ठीक है? अपनी अपनी ही साइड के रिसेप्टर को फॉस्फोराइलेट करना शुरू कर दी. फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन इज ऑल्टरनेटिव, एक का दूसरे में, दूसरे का पहले में, ठीक है? फर्स्ट वन इज ऑल्टरनेटिव, बट द सेकेंड वन इज ऑन द सेम साइड, ठीक है? जब ये फॉस्फोराइलेट हो जाते हैं, रिसेप्टर्स खुद जो टेल है वो फॉस्फोराइलेट होनी शुरू हो जाती है, तो उस फॉस्फोराइलेशन का फायदा उठा के वहां पे आके ये स्टैट प्रोटीन्स लगती है, ठीक है? उस फॉस्फोराइलेशन का फायदा उठा के ये स्टैट प्रोटीन्स लगती है. दिस जैक एंड स्टैट, दिस जैक एंड दिस स्टैट, दे गिव राइज टू द नेम ऑफ दिस पाथवे, जैक स्टैट पाथवे, ठीक है? जब ये हमारे पास ये पूरी शक्ल बन जाती है कि ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, लाइगेंड ऊपर लगा हुआ है, अल्टरनेट कोई पहली फॉस्फोराइलेशन हो गई है, उसके बाद सेम साइड पे दूसरी फॉस्फोराइलेशन हो गई, उसके बाद उस फॉस्फोराइलेटेड रिसेप्टर के ऊपर आके स्टैट प्रोटीन भी लग गई, तो फिर क्या होता है नेक्स्ट स्टेप पे, ये जो स्टैट प्रोटीन्स होती हैं ये रिसेप्टर से उतरती हैं और आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक है? जब ये आपस में जुड़ती हैं तो ये न्यूक्लियस में जाके क्या करवा सकती हैं,
ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन को मॉड्यूलेट करती हैं। ये जो स्टैट प्रोटीन्स हैं ये मॉड्यूलेट करती हैं ट्रांसक्रिप्शन को। अगेन लेट मी रिपीट दिस, रिसेप्टर्स हैं, उनके दो पोर्शंस अलग अलग पड़े हैं, उनके ऊपर ये जैक प्रोटीन्स लगी हुई। जैसे ही वहां पे लाइगेंड आके अटैच होगा, रिसेप्टर्स आपस में जुड़ जाएंगे और अपने से दूसरी साइड वाले जैक प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट कर देंगे। जब ये दोनों फॉस्फोराइलेट हो जाएंगे, ये अपनी ही साइड के रिसेप्टर की टेल्स को फॉस्फोराइलेट कर देंगे। वंस द रिसेप्टर टेल्स आर फॉस्फोराइलेटेड, उस फॉस्फोराइलेटेड पोर्शन के ऊपर आके स्टैट प्रोटीन्स लगती हैं। ठीक है, वंस दिस हैपन्स, ये स्टैट प्रोटीन्स यहाँ से डिटैच होती हैं और एक ये डाइमर सा बना लेती हैं। ठीक है, अब ये जो स्टैट प्रोटीन्स का एक मॉलिक्यूल है, ये क्या करता है, ये जाके डीएनए पे अटैच होता है एज ए ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्स। ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, जिसकी वजह से मैं नाम ही लेता हूँ मॉड्यूलेशन और रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मॉड्यूलेशन और रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स। ठीक हो गया जी, व्हाट्स नेक्स्ट, टारगेट सेल्स। मजे का टॉपिक है, टर्मिनोलॉजीज हैं, सिर्फ सीधी सीधी सी चार टर्मिनोलॉजी याद करनी। Cells have specific receptors on membrane or in cells that respond to hormones. अभी जो hormones होते हैं ना, इन्होंने जब किसी cell के ऊपर act करना होता है, तो ये इनके जो receptors होते हैं ना, वो तीन जगह पे मौजूद हो सकते हैं। या तो वो cell membrane में होंगे, ठीक है, या वो cytosol में होंगे या cytoplasm में होंगे, या वो न्यूक्लियस में होंगे। ठीक है, तीन जगह हो सकते हैं रिसेप्टर्स। सेल्स हैव स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑन मेम्ब्रेन्स और इन द सेल, इन मेम्ब्रेन और इन द सेल, ये सेल के अंदर दोनों पोर्शन होते हैं साइटोसोलॉजी के, दैट रिस्पॉन्ड टू द हार्मोन। ठीक है, उनको हम कहते हैं टारगेट सेल्स। Cells have receptor for several different hormones. एक सेल के ऊपर ना सिर्फ एक हार्मोन के रिसेप्टर्स नहीं होते, कई हार्मोन के रिसेप्टर होते हैं, उसमें कई काम भी करने होते हैं, रिसेप्टर्स जिसको हार्मोन चाहिए होते, हार्मोन के रिसेप्टर्स चाहिए होते हैं। ठीक है, इट मेक्स प्रॉपर सेंस। द नंबर ऑफ द एक्टिव हार्मोन्स कैन चेंज, जितने भी हार्मोन्स एक्टिव हैं उनके जो नंबर्स हैं वो चेंज हो सकते हैं, जो रिसेप्टर्स हैं स्पेसिफिकली, जो हमारे पास एक्टिव रिसेप्टर्स है उनका नंबर चेंज हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले सेल हैव स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑन मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन और इन द सेल साइटोसोल और न्यूक्लियस दैट रिस्पॉन्ड टू द हार्मोन। सेल्स कैन हैव अ रिसेप्टर फॉर सेवरल डिफरेंट हार्मोन्स, दिस इज वेरी गुड इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेवरल डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ द एक्टिव रिसेप्टर्स कैन change, the number of the active receptor can change. यहाँ पे दो आती हैं हमारे पास terminologies, down regulation and up regulation. सीधी सी definition देखते हैं, क्योंकि आपको पता ही है down regulation और up regulation क्या होती है, तो इसके ऊपर time को पाने की जरूरत नहीं है। down regulation होती है कि हमारे पास number of receptors decrease and the number of the receptors decrease and the target is less sensitive. ठीक है, अगर पहले एक सेल के ऊपर चार रिसेप्टर लगे हुए थे, तो अगर वो डाउन रेगुलेट हो रहा है वो वाला रिसेप्टर, वो वाला हार्मोन, वो वाले रिसेप्टर, तो क्या होगा, उस सेल के ऊपर एक या ज्यादा से ज्यादा दो रिसेप्टर आ जाएंगे। That would mean the number of the receptors decreases and the target is less sensitive.
है, इसमें जिसमें चार थे, इसमें चार मॉलिक्यूल्स को पकड़ के एंजाइमेटिक एक्शन करना था, इसमें ये सिर्फ एक टाइम पे एक या दो को पकड़ के एक्टिवेट कर सकता है डाउन रेगुलेशन वाले फिनोमेना। अप रेगुलेशन क्या, द नंबर ऑफ रिसेप्टर्स इंक्रीजेस, ये चार की बजाय आठ हो जाते हैं, तो ये आठ मॉलिक्यूल पकड़ सकता है एंड द टारगेट इज मोर सेंसिटिव। ठीक है, द नंबर ऑफ द रिसेप्टर्स इंक्रीजेस एंड द टारगेट इज मोर सेंसिटिव। तो इससे हमें क्या पता चला कि रिसेप्टर के नंबर में और रिसेप्टर की एक्टिविटी में, ठीक है, द नंबर ऑफ रिसेप्टर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाई और लो सेंसिटिविटी ऑफ दैट सेल। ऑलराइट, अल्लाह ये टारगेट सेल्स हैं जो सेंसिटिव होते हैं सेवरल हार्मोन्स में, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया था कि एक हार्मोन एक सेल के पास एक से ज्यादा हार्मोन्स के रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक तो जो कई सारे हार्मोन्स अगर एक सेल के ऊपर इकट्ठे हो रहे हैं तो उनके ना जितने भी एक्शंस हैं वो आपस में इंटरमिंगल होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जितने पेप्टाइड हार्मोन है वो सारे एक ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से काम कर रहे होंगे, जितने स्टीरॉयड हार्मोन है वो भी सारे एक ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से काम कर रहे हैं, और आखिर में ये जो हमारे पास रह जाएंगे अमाइन वो भी एक ही मैकेनिज्म से काम कर रहे हैं। तो वो जब सारे इकट्ठे काम कर रहे होंगे ना तो वहां पे कुछ इंटरेक्टिव इफेक्ट्स आते हैं, इंटरेक्टिव इफेक्ट्स उनके इंट्रैक्शन की वजह से, उन हार्मोन्स के इंट्रैक्शन की वजह से कुछ इफेक्ट्स आते हैं, ठीक है। उन इफेक्ट्स को देखते हैं, ठीक है, उनके नाम पहले देखते हैं। परमिसिव इफेक्ट, इंटीग्रेटिव इफेक्ट, साइनर्जिस्टिक इफेक्ट एंड एंटागनिस्टिक इफेक्ट। जी ये चार इफेक्ट्स हैं, परमिसिव इफेक्ट्स, इंटीग्रेटिव इफेक्ट्स, साइनर्जिस्टिक इफेक्ट्स एंड एंटागनिस्टिक इफेक्ट्स। ये जो हमारे पास परमिसिव इफेक्ट आता है ये क्या है, फर्स्ट हार्मोन एनहेंसेस द इफेक्ट्स ऑफ अ लेटर हार्मोन एक्शन, ठीक है। ये हमारे पास एक लेट्स अज्यूम ये एक सेल है, ठीक है, ये उसके ऊपर रिसेप्टर लगा हुआ, तो जो फर्स्ट हार्मोन है ये जब आके अटैच हो जाएगा रिसेप्टर के ऊपर तो द इफेक्ट ऑफ द लेटर हार्मोन एक्शन इज इनहेंस्ड, ठीक है। अगर उसी सेल के ऊपर कोई और रिसेप्टर लगा हुआ है और उसका रिसेप्टर कुछ इस तरह का है और उसके ऊपर जब आके उसका लाइगेंड लगा है तो ये इफेक्ट्स जो है वो क्या होंगे, इनहेंस करेगा। इनहेंस करेगा मींस कि परमिसिव नाम में भी है, इजाजत देगा उसको, एक्टिवेट करवाएगा कि वो अपना सबस्ट्रेट पकड़े, ये वाला रिसेप्टर जो है अपना सबस्ट्रेट पकड़े। दिस इज परमिसिव इफेक्ट। एग्जाम्पल्स में हमारे पास आ जाते हैं, ईस्ट्रोजन अप रेगुलेट्स प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर्स इन द यूट्रस। ईस्ट्रोजन होगा तो यूट्रस के अंदर प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर्स के नंबर्स इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे, ठीक हो गया। सेकंड एग्जाम्पल है हमारे पास, थायराइड हार्मोन इंक्रीजेस द इफेक्ट ऑफ एपिनेफ्रिन। सिंपल सा फिनोमेना, ये जो थायराइड हार्मोन है ये एपिनेफ्रिन के इफेक्ट्स को इंक्रीज करता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास इंटीग्रेटिव इफेक्ट, फर्स्ट हो गया इंटीग्रेटिव इफेक्ट, हार्मोन्स प्रोड्यूस कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट्स ऑन डिफरेंट टिश्यूज, ठीक है। कोई भी हार्मोन रिलीज हुआ अपने जाकर रिसेप्टर लाइगेंड के साथ लगा, ठीक है, प्रोसेस हुआ, उसके बाद वो क्या करे, वो हार्मोन प्रोड्यूस कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट्स ऑन अ डिफरेंट टिश्यू, सो द हार्मोन्स प्रोड्यूस कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट्स ऑन डिफरेंट टिश्यूज।
एक ही जो हार्मोन है वो डिफरेंट टिश्यूज के ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट्स करता है, ठीक है, जिस पे जो इफेक्ट करना उस पे वो ही करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल पीटीएच पैराथायराइड हार्मोन एंड कैल्सिट्रॉयल इंक्रीजेस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कैल्शियम। वो बात ना बताया था कि अगर हमें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कैल्शियम चाहिए, कोई ऐसा रिएक्शन है जो दो हार्मोन्स इकट्ठे एक ही जैसा काम करते हो, यानी कि पीटीएच भी क्या करता है इंक्रीजेस ईसीएफ कैल्शियम और कैल्सिट्रायल भी क्या करता है इंक्रीजेस ईसीएफ कैल्शियम। तो इस इफेक्ट को कहते हैं हम इंटीग्रेट इफेक्ट। दो इफेक्ट्स हो गए, परमिसिव इफेक्ट कि पहला हार्मोन दूसरे हार्मोन के एक्शन को एनहेंस करता है, और उसके बाद ये इंटीग्रेटिव इफेक्ट जिसके अंदर हार्मोन क्या करता है एक कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट प्रोड्यूस करता है डिफरेंट टिश्यूज। उसके बाद आए थे हमारे पास साइनर्जिस्टिक इफेक्ट। टू हार्मोन्स एक्टिंग टुगेदर हैव अ ग्रेटर इफेक्ट देन द सम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ ईच हार्मोन एक्टिंग इंडिपेंडेंटली। आई रिपीट, टू हार्मोन्स एक्टिंग टुगेदर हैव अ ग्रेटर इफेक्ट देन द सम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ हार्मोन एक्टिंग इंडिपेंडेंटली। यानी कि अगर एक हार्मोन नंबर एक का वन यूनिट था, उसका जो इफेक्ट था वो वन था, और दूसरे हार्मोन का जो इफेक्ट था वो भी वन था, ठीक है, तो इसका जो अरिथमेटिक आंसर होना चाहिए वो होता है सम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ ईच हार्मोन, वन प्लस वन इज इक्वल टू टू। लेकिन इस सिनर्जिस्टिक इफेक्ट की वजह से क्या होता है, वन प्लस वन इज इक्वल टू टू नहीं होता, वन प्लस वन इज इक्वल टू फोर हो जाता है, इफेक्ट काफी इनहेंस हो जाता है, दिस इज आवर सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। लास्टली हमारे पास आ जाते हैं एंटागनिस्टिक इफेक्ट। वन हार्मोन अपोजेस द एक्शन ऑफ द अदर हार्मोन, ठीक है, वन हार्मोन अपोजेस द एक्शन ऑफ द अदर हार्मोन। इसमें हमारे पास इंसुलिन और ग्लूकागन आ जाते हैं, खुली डुली एग्जाम्पल है ये, ठीक है। इंसुलिन सिक्रीट होती है तो ग्लूकागन सिक्रीट नहीं होती, ग्लूकागन सिक्रीट होती है तो इंसुलिन सिक्रीट नहीं होती, हमारे एंटागनिस्टिक इफेक्ट्स हैं। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट्स की एग्जांपल है हमारे पास एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ईस्ट्रोजन आर नेसेसरी फॉर नॉर्मल ओओसाइट डेवलपमेंट, ठीक है, अगर ये दोनों मौजूद नहीं होंगे तो नॉर्मल ओओसाइट डेवलपमेंट नहीं होगी। एफएसएच एंड टेस्टोस्टेरोन टुगेदर इंक्रीज द स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, ठीक है, ये एफएसएच और टेस्टोस्टेरोन दोनों मिलके स्पर्मेटोजेनेसिस को इंक्रीज कर रहे हैं। तो हमारे पास टोटल चार थे ये जो इफेक्ट्स हैं। सबसे पहला था परमिसिव, जिस तरह नाम से जाहिर है कि जो वन हार्मोन है, फर्स्ट हार्मोन है, ठीक है, वो इनहेंस करता है सेकंड को, ठीक है, या इजाजत देता है, परमिशन दी जाती है इसको, इस तरह भी याद। दूसरा हमारे पास क्या था परमिसिव के बाद, इंटीग्रेटिव। इंटीग्रेटिव का क्या काम होता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स हैं, हार्मोन वन है, हार्मोन टू है, हार्मोन थ्री है, इनके जो इफेक्ट्स होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं, वो सारे इसका भी टू का भी और थ्री का भी, इन सब का जो इफेक्ट होता है वो एक ही होता है, ठीक है, तो ये होता है इंटीग्रेटिव इफेक्ट्स। तीसरा हमारे पास आ गया था साइनर्जिस्टिक इफेक्ट। साइनर्जिस्टिक इफेक्ट में क्या होता है कि जब दो हार्मोन्स इकट्ठे एक ही सेल के ऊपर काम कर रहे हैं, उनका मोड ऑफ एक्शन भी एक हो, उनका प्रोडक्ट भी एक हो, तो उनका जो सम ऑफ द रिएक्शन होता है ना, एट द एंड ऑफ द रिएक्शन जो सम होता है उनका, वो वन प्लस टू इज इक्वल, वन प्लस वन इज इक्वल टू टू नहीं होता, वन प्लस वन इज इक्वल टू या तो थ्री होगा या फोर होगा, ठीक है। सो दिस इज योर सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। आखिर में आ गया था एंटागनिस्टिक इफेक्ट।
एंटेगनिस्टिक इफेक्ट के अंदर क्या होगा कि एक हार्मोन दूसरे हार्मोन के इफेक्ट्स को कैंसिल आउट कर दे, ठीक है, जैसे कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन। यहाँ पे सिनर्जिस्टिक में हमने एग्जांपल पढ़ी थी FSH प्लस ईस्ट्रोजन, ये जो हमारे पास परमिसिव था, शुरू से शुरू करते हैं, एक परमिसिव था, उसमें हमने क्या एग्जांपल ली थी, एक और हार्मोन, ये हार्मोन है यानी कि इसमें था हमारे पास के पैराथार्मोन और कैल्सी ट्रायोल, दोनों क्या करते हैं कैल्शियम को इंक्रीज करवाते हैं। तीसरा था हमारे पास साइनर्जिस्टिक, ये वो 1+1=4 वाला, इसमें क्या था FSH और ईस्ट्रोजन मिलके FSH और टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन का भी था, FSH टेस्टोस्टेरोन मिलके क्या करवाते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस करवाते हैं। और जो हमारे पास एंटागनिस्टिक था उसकी एग्जांपल क्या थी हमारे पास, ये 1-1 वाला था, इसकी एग्जाम्पल थी हमारे पास इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ओके जी, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखिएगा, यू क्यू आया हुआ ये। अरे जी आगे क्या है जी, ये भी हो गए टारगेट सेल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स आज हम देख लेते हैं, इनके मोड ऑफ एक्शन इंशाल्लाह हम अपने मंडे वाले लेक्चर में देख लेंगे, देन विल बी डन विद द ओवरव्यू। क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स के अंदर हमने तीन हार्मोन्स देखने हैं, पेप्टाइड हार्मोन्स, स्टीरॉइड हार्मोन्स एंड एमाइन हार्मोन्स या अमाइन हार्मोन्स। The hormones are classified into two main classes. Very important. Two main classes. पीछे तो मैंने तीन लिखी थी, तो ये टू कहां से आ गए? ठीक है? Two main classes. On the basis of structure and site of activity in the cells. यानी कि function. On the basis of structure and site of activity of the cell, the hormones are classified into two main classes. वो classes कौन सी हैं? Steroidal hormones and non-steroidal hormones. Non-steroidal hormones are further sub-classified into peptide hormone or amine hormone. ठीक है? यानी कि classes दो हैं basic, steroid hormones और non-steroid hormones. Steroid hormones हैं वो तो फिर of course हो गए, जो non-steroid हैं उनमें हमारे पास आ जाते हैं peptide hormones जो क्या होते हैं polypeptide chains होती हैं, और अमाइन हार्मोन्स जो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव से बनते हैं। ओके जी, ये एक ट्री की शक्ल में आपके पास हार्मोन डिवाइड हो रहे हैं स्टीरॉयडल, और ये हैं हमारे पास नॉन स्टीरॉयडल या नॉन स्टीरॉयड हार्मोन। जो नॉन स्टीरॉयड हार्मोन है आप देख सकते हैं कि आपके पास पेप्टाइड हार्मोन, इंसुलिन एग्जाम्पल है इंसुलिन और ग्लूकागॉन, और दूसरा है हमारे पास अमाइन हार्मोन्स जो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स हैं, जैसे कि ये थायराइडल हार्मोन्स हैं, ये किसके डेरिवेटिव होते हैं टायरोसिन के, ठीक है, और लास्ट के पे मिसलिनियस की एक जगह दी हुई है प्रोस्टाग्लैंडिंस और साइटोकाइनिंस के लिए। ठीक है, मेन क्लासिफिकेशन है वो यहाँ पे खत्म हो जाती है इन दो के साथ।
दूसरी तरफ जो स्टीरॉयडल हार्मोन्स हैं, दे आर फर्स्ट डिवाइडेड इन टू सेक्स हार्मोन्स एंड एड्रीनल कॉर्टिकल हार्मोन्स, ठीक है ना। स्टीरॉयड हार्मोन बॉडी में कई हार्मोन बनाती है, जिनमें से जो स्टीरॉयड पहली दो क्लासेस हैं वो हैं सेक्स हार्मोन्स और एड्रीनल कॉर्टिकल हार्मोन्स या कॉर्टिकॉइड्स। ये हम बाद में देखेंगे एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेडुला के हार्मोन्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे ये जो सेक्स हार्मोन है ये भी हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा फ्रीजर आगे है तो इसको पढ़ लेते हैं। अगर सिर्फ यहाँ तक भी लिखते हैं आप इस पूरे चार्ट को, इतना इतना, ठीक है ना, मीन्स कि आप हार्मोन्स की हेडिंग दें, ठीक है, ये एक तरफ स्टीरॉयडल, दूसरी तरफ नॉन स्टीरॉयडल। जो नॉन स्टीरॉयडल है उनमें एक तरफ पेप्टाइड, दूसरी तरफ अमाइन, और ये जो स्टीरॉयड्स हैं उसमें एक तरफ कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, और दूसरी तरफ सेक्स हार्मोन्स, ठीक है। तो ये काफी हो जाती है, लेकिन ऑफकोर्स सिर्फ सेक्स हार्मोन्स के बारे में पूछ लेते हैं तो सेक्स हार्मोन्स में हमारे पास फीमेल सेक्स हार्मोन्स आ जाते हैं और मेल सेक्स हार्मोन्स आ जाते हैं। मेल सेक्स हार्मोन हमारे पास ये एंड्रोजेंस हैं, टेस्टोस्टेरोन स्पेसिफिक, और जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं वो हमारे पास आ जाते हैं ईस्ट्रोजन, इसमें इसकी दूसरी फॉर्म्स ईस्ट्रोन ईस्ट्राडायोल भी हैं, और प्रोजेस्ट्रॉन। सिंपल सी बात है, आपको पता ही है ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं, और जो हमारे पास मेल सेक्स हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन, ठीक हो गया जी। So hormones are divided into steroidal and non-steroidal. The non-steroidals are peptide hormones, amino acid derivatives, and miscellaneous prostaglandins or cytokines. जो हमारे पास steroidal हैं, ये steroid hormones हैं, उसमें adrenal cortical hormone और sex hormone. Sex hormones are further divided into female sex hormones and male sex hormones. The male sex hormones being testosterone, the female sex hormones being the estrogen and progesterone. ठीक हो गया जी, ये मैं लास्ट स्लाइड करवा रहा हूँ आपको भी आज के लेक्चर की, उसके बाद आपके लिए क्वेश्चंस के लिए फोरम खोलते हैं। ये एक टेबल है जिसमें आपके डिफरेंसेस हैं स्टीरॉयडल हार्मोन और नॉन स्टीरॉयडल हार्मोन, ठीक हो गया जी। स्टीरॉयडल हार्मोन में सबसे पहले टाइप्स कौन कौन सी, ऑफकोर्स स्टीरॉयड हार्मोन हैं, ऐसे हार्मोन हैं जो ये कोलेस्टेरॉल से डिराइव करती है, ठीक है। और जो नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन है उसमें हमारे पास पॉलीपेप्टाइड्स आ जाती हैं, प्रोटीन्स आ जाती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स, कैटेकोलामीन्स, हार्मोन्स, ठीक है। ये जो कैटेकोलामीन हार्मोन्स हैं ये हमारे पास कौन से हैं, ये अमाइन डेरिवेटिव्स हैं, और ये जो ऊपर वाले हैं हमारे पास ये प्रोटीन पेप्टाइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स जो हैं, ठीक है, ये जो है हमारे पास पेप्टाइड हार्मोन्स वाले, ठीक हो गए। सॉलिबिलिटी, ऑफकोर्स जो स्टीरॉयड बेस्ड है वो लिपोफिलिक है और हाइड्रोफोबिक है, ठीक हो गया, और जो लिपिड बेस्ड नहीं है, स्टीरॉयडल नहीं है, वो क्या है, वो हाइड्रोफिलिक है, ठीक है। ये जो अगला वही पॉइंट बताने लगा था लेकिन लिखा भी हुआ, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, स्टीरॉयडल हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट प्रोटीन चाहिए होती है और नॉन स्टीरॉयडल हार्मोन को ट्रांसपोर्ट प्रोटीन नहीं चाहिए होती। ब्लड में मूव करने के लिए जो नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन है ना, पेप्टाइड हार्मोन और जो अमाइन डेरिवेटिव हार्मोन्स हैं, अमाइन हार्मोन्स हैं, इनको ब्लड में मूव करने के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन नहीं चाहिए होती। क्यों नहीं चाहिए होती, कि वो ऑलरेडी हाइड्रोफिलिक है, वो आराम से ब्लड में फ्लूड में ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, कोई परेशानी की बात। लेकिन ये जो लिपोफिलिक और हाइड्रोफोबिक स्टीरॉयडल हार्मोन्स है ना, ये नहीं मूव कर पाते फ्लूइड्स में विदाउट द प्रेजेंस ऑफ अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है, ये तो जाएंगे नहीं पानी में, मगर ये किसी ना किसी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के साथ लग के ब्लड में मूव कर लेते, ठीक है। ये देखें, ये गोल सा जो है हमारे पास स्टीरॉयड हार्मोन को शो कर रहा है, और ये ऊपर हमारे पास एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन लगी हुई। प्लाज्मा हाफ लाइफ, स्टीरॉयड हार्मोन्स की प्लाज्मा हाफ लाइफ लॉन्ग होती है एज कंपेयर टू दी नॉन स्टीरॉयड हार्मोन, जिनकी प्लाज्मा हाफ लाइफ शॉर्ट होती है, ठीक हो गया। रिसेप्टर्स, जो स्टीरॉयडल हार्मोन के रिसेप्टर्स हैं वो इंट्रासेलुलर पड़े होते हैं,
ठीक है, इंट्रासेलुलर या तो साइटोसोल में पड़े होते हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म में, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के न्यूक्लियस पे लगे होते हैं, ठीक है, इनको कहते हैं साइटोसोलिक रिसेप्टर्स या न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। लेकिन ये जो हमारे पास नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन्स हैं, पेप्टाइडोमाइन डेरिवेटिव्स, इनके जो रिसेप्टर्स हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, सेल मेम्ब्रेन पे पड़े होते हैं। लास्टली जो हमारे पास स्टेरॉयडल हार्मोन्स हैं उनके मीडिएटर्स में हमारे पास आ जाते हैं रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है, एक तरफ से रिसेप्टर आया, एक तरफ से हार्मोन आया, कॉम्प्लेक्स बना और उसका रिएक्शन आ गया। लेकिन ये जो हमारे पास नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन्स हैं, पेप्टाइड और माइन डेरिवेटिव, ये साइक्लिक एएमपी बनाते हैं, साइक्लिक जीएमपी, कैल्शियम फॉस्फोइनो फॉस्फेटिडाइलिनोसाइटोल, ठीक है, डाइसाइलग्लिसरॉल, IP3, कैल्शियम कलमोडलिन कॉम्प्लेक्स जो सारा देखा था अभी पीछे, ठीक है, ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में ये सेकंड मैसेंजर फिनोमेना से नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन्स एक्ट करते हैं। ठीक हो गया जी। नहीं जी, आई एम फिनिशिंग द लेक्चर एट द मोमेंट। आप लोगों के पास तीन चार मिनट हैं, यू मे आस्क द क्वेश्चंस इफ यू लाइक। Do you have any questions? Jupiter, do you have any questions? कुछ समझ आ रही है? मैं आपकी तरह ही लिखता हूं, आज मेरा भी दिल कर रहा है आपकी तरह लिखने का। कुछ समझ आ रही है? That's very good. इकरा, आपने भी लिखा बायोकेम का टेस्ट था आज, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है, वेरी गुड हाशिम बेटा, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है, अच्छी बात है। इकरा आपने लिखा है अभी, इकरा यासिन, के बायोकेम का टेस्ट था आज, मैंने आते ही पूछा था कि बायोकेम का टेस्ट है, बहुत ज्यादा आ रही है अब्दुल मनान साहब को, ध्यान करो इतनी ज्यादा ना आ जाए तबीयत खराब हो जाएगी बेटा, बाथरूम जाना पड़ जाएगा इतनी ज्यादा आ गई। अच्छा जी, बहुत ज्यादा आ रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी बात है जी, अच्छी बात है, बहुत ज्यादा आ रही है। जी बेटा, कोई क्वेश्चंस हैं किसी किस्म के तो पूछ ले, वैसे तो भी ओवरव्यू चल रहा है, इट्स किसी किस्म की रॉकेट साइंस नहीं। अच्छा ना, मुझे अपना लिखा हुआ देख के ना ये इस तरह मुझे कुछ हो रहा है कि ये मैंने मेरी स्क्रीन पे क्या चल रहा है, आप लोग कॉन्टिन्यूसली इसी तरह लिख रहे होते, चलो कोई बात नहीं, खैर सब चलता है। नहीं बेटा, आप लोगों के शेड्यूल में आज नहीं था आप लोगों का टेस्ट लिखा हुआ, वैसे जो शेड्यूल मेरे पास टेस्ट शेड्यूल पड़ा हुआ था उसके अंदर आप लोगों की 19 और 23 डेट लिखी हुई थी, हो जाएगा अपलोड, तैयारी करके रखो, हो जाएगा अपलोड। बाकी मैं भी देखता हूँ, इंफॉर्मेशन लेता हूँ, मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है तो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। जी बिल्कुल बेटा, 19 जो मेरे पास दो डेट्स थी वो 19 और 23 थी आप लोगों के टेस्ट की, जेनेटिक्स के, वो जेनेटिक्स 1 के टेस्ट की 19 जून थी और जेनेटिक्स 2 के टेस्ट की 23 जून थी, तो मैंने उसके लिहाज से बना के भेज दिए हैं टेस्ट आप लोगों को, ठीक है। तो मेरा तो ख्याल था आज टेस्ट होगा लेकिन अब नहीं हुआ तो इसका मतलब है डेट्स चेंज हो गई, बल्कि अगले हफ्ते का शेड्यूल आ गया। लेट मी सी, आपके अगले हफ्ते में ना हो कहीं टेस्ट, एक मिनट है हमारे पास, हम उसे यूटिलाइज कर सकते हैं।
नहीं, आपके अगले हफ्ते में ना मंडे को आपका ग्रैंड टेस्ट है, क्रॉस एनाटॉमी की फाइनल स्टेज थॉरेक्स। वैसे भी ना टेस्ट वीकली एक हो गए हैं, शायद इसकी वजह से भी डिले हुए हैं टेस्ट। नहीं जी, माय टाइम इज अप, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। दिस इज डॉक्टर हारून हबीब साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।